हेलो फ्रेंड, आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं यूपीएल लिमिटेड शेयर का टेक्निकल एनालिसिस। तो फ्रेंड, हम सभी जानते हैं स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट हमने देखी और अब जाकर के कुछ स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। 450 रुपये से लेकर के 500 रुपये के बीच में फिर से स्टॉक स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 500 रुपये पर अभी तक ब्रेकआउट नहीं मिला है। तो आगे किस तरह का सिनारियो बन रहा है, इस पर हम कर लेते हैं चर्चा। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देखिएगा, आपके सामने यहाँ पर जो चार्ट प्रेजेंट किया गया, यह डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट। यहाँ पर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करते हुए आपको शो कर रही है। अब आप देखेंगे स्टॉक में किस तरह से गिरावट हुई। गिरावट तो बहुत लंबी हुई, लेकिन जब 500 रुपए के नीचे स्टॉक आया तो एक बड़ी रेड कैंडल बना करके आया, और नीचे की तरह जब स्टॉक गिरता है तो आप देख सकते हैं कहां तक की गिरावट होती है, 450 रुपए तक। 450 के आसपास गिर करके फिर स्टॉक ऊपर की तरफ कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं फिर से 500 रुपए पर जाता है और एक शूटिंग स्टार बनता है। ये देखिएगा, यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बना और इस शूटिंग स्टार ने फिर से इसको पुल किया, और पुल करके स्टॉक फिर से कहाँ आता है तो आप सपोर्ट देख सकते हैं। फिर से नीचे की तरफ स्टॉक गिरा कहाँ तक, लगभग 450 तक। फिर इसी तरह स्टॉक जो है आगे की तरफ बढ़ा, 450 के नीचे स्टॉक नहीं गया है, 450 इसका बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, और ऊपर की तरफ 500 रुपये जो है वो स्ट्रांग रेजिस्टेंस। ये देखिएगा, यहाँ पर स्टॉक फिर से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और गिरावट हमें देखने को मिल रही है। यदि ये स्टॉक 500 रुपये के लेवल को तोड़ करके ऊपर जाता है और सस्टेन करता है 510 के आसपास, उस केस में बाइंग करके हम यहाँ पर 580 तक के टारगेट भी रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो यहाँ से रिजेक्शन दिख रहा है, तो अभी हमें क्या करना चाहिए, अभी किसी भी तरह की बाइंग नहीं करना है, क्योंकि यदि रिजेक्शन फिर से होगा तो एक बार फिर से स्टॉक आपको नीचे की तरफ 450 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है।